महादेव की जटा माजा सो गाइज इट्स अ सेकेंड डे शूट और हम पांचों जने एक नहीं छठे जने एक दो तीन चार पांच और छठी में हम आ चुके हैं कायम मोइला टॉप टू मोइला डाउन में हम मोइला टॉप टू टॉप था यार डाउन मोइला डाउन है अरे तो यहाँ पर पूजा हो रही है और ग्रुप के बच्चे आ रहे हैं अभी इतना पैसा है गाइज इस प्रोड्यूसर के पास इसने नया यार एक चीज है जब भी मोइला टॉप जाते हैं ना ग्रुप तो चेंज होते ही होता है पहले दिन ग्रुप जाता है फिर दूसरे दिन दूसरा ग्रुप आता है अगली बारी से नहीं जाना यार ऐसे छाता जी ये रखो जरा अपनी जेब में गाइस मैं ना 4:30 बजे उठ गई थी ठीक है 5 बजे तक मैंने मेकअप कर लिया था उसके बाद मैं बहुत जल्दी तैयार हो गई थी इन्होंने मुझे बोला था कि सुबह 6 बजे तक रेडी रहना मैं रेडी थी और लेट किसने करी इस आदमी ये आदमी सबसे लेट सबसे लास्ट लेट कहते मेरे को सो रखे बिस्तर में मैं उठाने गई तो कह रही मैंने पॉटी कर ली सुसू कर लिया और सब कुछ कर लिया मुंह धुल दिया बस मैंने अपने मुंह में पानी का कपड़ा मारना है गीला कपड़ा मारना है मुंह भी नहीं धुलते गीला कपड़ा मारते हैं मुंह पे तो अब सब लोग आ चुके हैं और हमारी जो सेना है वो आने वाली है मतलब ग्रुप के बच्चे आने वाले हैं तब तक हम लोग सिंगल सिंगल जो जो होता है वो निपटाएंगे ठीक है सो या ऑल द बेस्ट आई होप कि आज हमारा शूट हो जाए सो गाइस यहां पे डायलॉग पार्ट अभी रिहर्स हो रहे हैं बता रहे हैं डायरेक्टर साहब की मेरे को क्या डायलॉग्स बोलने हैं और उनको क्या बोलना है ठीक है हाँ जी सर नट्स का एक शॉट है आप सिंगल एक रनिंग का शॉट ले लेंगे अलग से ठीक है सोलो आने का इस भाई के पास यहाँ से आना ये चीज यहाँ पर मेरे को यहीं से बैठे बैठे बोलने खड़े होकर खड़े 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 बैठे 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 बोल रहे ललिता यार क्या यार अब तू होनी क्या था डायलॉग में नहीं सर ने चेंज करा ना अच्छा, नाम लिया ना ललिता बोलना नहीं बोलना सुनो सुनो ललिता बोलना क्या यार अब छे तो नहीं क्या यार गुस्सा बोलो ना गुस्सा रोका उससे यार वो तुम उसको वेट कर रहे मेरा कुछ नहीं करता बोलो क्या यार अब छे तो नहीं थोड़ा सा जैसे कैमरा खोलो तूने बोला अब जब ये बोलेगी तब तुम खड़े उठ रहोगे ठीक है तुझे पता चले यार मेरे दादा कंधे रहते हैं आ चुके हैं लोग सो गाइस आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहे क्योंकि कल हम लोगों ने इतनी मस्ती करी है शूट तो कल हुआ नहीं तो आज हमारा शूट है तो टाइम नहीं मिल पा रहा है सो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है एंड हमारा एक अंतरा कंप्लीट हो चुका है एंड गाइस मेरे जो नया सॉन्ग है सुआ फैशन दारा उसका पोस्टर रिलीज हो चुका है आप लोग मेरी प्रोफाइल में चेक कर सकते हैं तो वो जो गाना है उसमें मैंने एक्ट करा है और साथ साथ मैंने डायरेक्शन भी किया है बहुत मुश्किल था साथ में एक्ट भी करना डायरेक्शन भी करना लेकिन कोशिश करिए और फाइनली बहुत अच्छा गाना बना है तो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा कॉमेंट करो पोस्टर मैंने जो पोस्ट किया है उस पर कॉमेंट करो लाइक करो उस पोस्टर को शेयर करो और धुन पहाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि उसमें 29 को हमारा सॉन्ग आने वाला है आपने मेरे करने का दिया मुझे हाँ निकाल मेरे होते तुम कैसे करोगे यार तुम तो छोटे हो यार मैं बड़ा हूँ ना मैं बड़ा भाई उसको पकड़ के बाहर निकालो फिर छोड़ो 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 हाथ उठा दे अरे हाथ उठा दे तो नहीं मर रही है गाइस थोड़ी छोटी सी सर्जरी हो रही है कमजोर दिल वाले ना देखे अबे लड़की तो करने नहीं दे रही यार मैं करूं हटो 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 अब असिस्टेंट आ चुकी है गाइस सब रुकना 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 सारे डॉक्टर्स यहां पे आज एक्सपेरिमेंट करेंगे आ रुक 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 गाइस छोड़ना हम पॉडी के हम पास निकालने के चक्कर में कहीं अरे क्यों टाइम पास कर रहे हो सब लोग गाइस ये कांटा निकालने के चक्कर में कहीं पिनी ना अंदर घुप दे ये आ गया रुकना रुकना है हां इस कांटे में छुपाओ और बाहर निकाल लो रुक रुक तू रुक बेटा हो गया हो गया अरे हो पा रहा है दिख नहीं पा रहा है अरे यार रुक जा तू अरे डर क्यों रहे पागल हो तो यार सर आप हटो मैं पिन से निकाल हां कमो चुबा देना पिन यार निकालना पड़ता बेटा उसको ऐसे सब हां हां कीर्तन गाओ देखो इसमें भी ब्लॉग बने अरे ओए शिट यार मेरे को आना पड़ेगा यार और कितने गलत बात बड़े भाई को दे तुम फिर गलत बात
ये ऑपरेशन सक्सेसफुल। दिखाओ गाइस कौन सा कांटा था सक्सेसफुल। चलो भाई ये वाला कांटा था गाइस। चलो आप ठीक कुछ नहीं है बेटा, ठीक है आप इतना भी मत कर ड्रामा, बहुत ड्रामा कर रही भाई। ओ हाय साहब, ₹150 लगेगा। चल दे फटाफट, गाइस ये आदमी को ना मौका चाहिए होता है। भाभी देख लो आप, दो लड़कियों का बाप है ये, और ये ना लड़कियों के पैर पूर छूने में बिल्कुल वो होते हैं एक्साइटेड। कहता कोई नहीं कांटा निकालेगा, मैं कांटा निकालूंगा बस। ये देख लो आप, बोल रहे थे कि पहले मैं कांटा ही निकाल दूंगा। कितने पैसे लोगे तुम मेरे से? एक लड़की को किडनैप करना है। देख लो भाभी देख लो, ये अरुण भैया के हाल शूट पे, शूट पे मत भेजा करो इनको। अब तो मैं डायरेक्टर बन गई हूँ, जब इनके पास काम आएगा मुझे भेज देना, मैं मैनेज कर लूंगी भाभी, अपना प्रोग्राम चल लेगा। कर दो हलाल इसको, तेरी सुपारी देनी पड़ेगी अब तेरी। हाँ हाँ निकालो कांटे, निकालो कांटे आप। एक तो लोगों की हेल्प भी करो गाइस, लगो। कल मेरा 5 बजे का शूट है और मैं 2 बजे रात को मोनिका के घर पर आ रही थी। ये दिख रही है आपको मोनिका, कपड़े लेने भेजो फेंको, 1.5 पता नहीं। अच्छा नहीं वो भी वीडियो बना रही हूँ ऊपर से, शिट हाथ टूट गया मेरा। थैंक यू सो मच। तो गाइस हमें कपड़े मिल चुके हैं, करना पड़ता है शूटिंग के लिए ऐसा ना क्या? सुनना चलना मेरे रूम पे, कल छुट्टी है, 5 सोई रहना। चलो चलते हैं गाइस, बाय। एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस मैं रात को 11:30 बजे पहुंची चक्राता से, ठीक है। और देहरादून आने के बाद सबसे पहले मैंने नहाया, नहाने के बाद मैंने कपड़े इधर उधर से मतलब एक सूट लेकर आई हूँ मैं मोनिका से, और बाकी तो मेरे पास खुद ही थे, बहुत सारे पड़े थे जो मैंने काफ़ी शूट्स में अभी तक नहीं पहने, तो मुझे मिल गए थे सूट काफ़ी। और फिर मैंने पैकिंग करी, फिर मैंने सारी चीज़ें रखी, ज्वेलरी वगैरह जो भी होता है सब कुछ रखा, पैकिंग कर ली। और अभी बज रही हैं 3, और 3 बज रही हैं, तो मैंने सोचा कि अब हमें 5 बजे जाना है, तो मैं नहीं सोती हूँ, उठ ही रहती हूँ। और मैंने नेल्स अपने ना, मेरे नेल्स उखड़ गए थे शूटिंग पे, तो नए शूट पे जा रही हूँ, तो मेरा हाथ ना बहुत गंदा लगता है यार बिना नेल्स के, ऐसे लगता है जैसे मेरी उंगलियाँ काट गई हूँ, देखो किसी ने जैसे मेरी ना उंगलियाँ काट दी हो ऐसा लगता है मुझे। तो ना अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने नेल्स बना रही हूँ, कल शूट है ना मेरा। अच्छा लगता है शूट पे ना, लड़की के हाथ लड़की हो, जैसे कहीं हाथ वाथ पकड़ने के शॉर्ट्स आ गए तो होता है ना गंदा ना लगे, बस इसीलिए मैं अभी बहुत केयरफुली अपने क्यूटिकल्स कट कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरे हाथ से ना उल्टे हाथ से ज़्यादा अच्छे से काम होता है। अभी मैंने क्यूटिकल्स कट कर दिए हैं, बहुत गंदा हो गया ये बिस्तर ना, नेल्स का डस्ट वगैरह सब कुछ, बटिया थोड़ा सा और घिसना चाहूँगी मैं अपने हाथों को यहाँ से, क्योंकि मेरे पास ना वो भी वो मशीन नहीं है ना, ड्रिल मशीन, तो उससे ना मेरे हाथों पे खुरदुरापन ज़्यादा अच्छे से नहीं आ पाता है और नेल्स ना जल्दी झड़ जाते हैं। अगर आपका बेस खुरदुरा ज़्यादा है ना तो आपका स्टे ज़्यादा करेगा, और जो मेरा है ना खुरदुरा, वो खुरदुरा नहीं है बेसिकली, तो या उस पर दिक्कत हो रही है मुझे, तो मैं थोड़ा खुरदुरा कर लेती हूँ अपने नाखूनों को। और ड्रिल मशीन लूँगी ना, उससे तो बहुत ईजी हो जाएगा, फिर मेरा नेल बहुत ज़्यादा स्टे करेगा। अभी मेरा नेल स्टे कर रहा है एक हफ्ते से तो ऑब्वियसली ज़्यादा, मतलब 15-16 दिन स्टे कर रहा है बस। मैं चाहती हूँ 1 महीने स्टे करें, जैसे रिधिमा दीदी का स्टे करता था ना 1 महीने, तो वही 1 महीने तो स्टे कर ही लेता था, वो वाला चाहती हूँ मैं। तो कोई नहीं अभी तो मैं सीख ही रही हूँ, जल्दी सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। अब मैं लूँगी टिप्स और चलो मैं मिलती हूँ आपको नेल्स करके, नॉर्मल से नेल करूँगी, कुछ अलग सा नहीं करूँगी। बाय। हे गाइस गुड मॉर्निंग। सो हम लोग हैं गोपेश्वर में और हमारा आज शूट है, और मेरी नींद पूरी नहीं हुई है क्योंकि सोने का कम समय मिला। तो अभी मैंने स्किन केयर कर लिया है अपना CTM, और अब मेरा मेकअप होएगा तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ मेकअप के बाद। ये है मेरी मेकअप आर्टिस्ट अंकिता, तो सीधे मेकअप के बाद मिलते हैं।
तो गाइज़ यहाँ पे हमारा मेकअप हो रहा था। मेकअप के बाद का भी मैंने व्लॉग बनाया है, लेकिन मैं अभी नहीं डालूंगी क्योंकि सैंडी सर ने मुझे मना करा है कि अभी हम व्लॉग नहीं डाल सकते जब तक गाना नहीं आया। तो जब तक गाना नहीं आएगा मैं ये क्लिप्स नहीं डाल रही हूँ। नमस्ते मामी, नमस्ते भाई मैं गाड़ी देख सके तक लग जाती बात कौन है सात स्वरों का मेल और मेल का खेल ये कहा ना मैंने। हाँ। तो संगीत में जो है ना सुन ले तू इधर अभी क्या कर तू मेरे फोटो निकाल देखा बड़ा रोमांटिक था कलाकार था और तेरे नाना ने जो है राम से लेकर के बसमासुर कभी पाठ के रखा। मुझे लगा आप बोलने वाले राम से लेकर श्याम श्याम ने कर दिया सब लोग डेली करो कला जो है ये कला क्या है सरस्वती की देन है पैसा क्या है लक्ष्मी मानो ये दोनों बहने हैं इनमें टकराव होता है लेकिन मुझे मैं इस चीज को ज्यादा आगे व्याख्या नहीं करूँगा क्योंकि तुम बहुत मेरी हृदय में बस हुई ना तुम अरे इतनी छोटी हाइट में तो आप द्विवेदी भी जा रहे हैं अकेली जाएगी नहीं हॉर लूंगे हॉर लोग भी हैं डिपार्टमेंट के होंगे ना तेरी पार्टी के होंगे लेकिन हमारी तरफ से तो तुम्हें होगी मैं हमारा ये सबसे ऊपर बढ़ रहा है मेरी नारिणी दुबई जा रही है किसी खास प्रोग्राम के लिए क्या है वहाँ प्रोग्राम अरे वो कंपनी का इवेंट होता है ना एक खीर का टुकड़ा दिया जा रहा है वो कंपनी का इवेंट होता है ना सब लोग घर से काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो फिर साल में एक बार ही मिलना जुलना होता है इवेंट होता है उसके लिए अच्छा अच्छा अभी तूने ये कुछ लिखा भी है पता नहीं क्या 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 तूने बस कंपोजिशन भी किया कंपोजिशन नहीं किया कंपोजिशन और गाना तो किसी और ने बनाया मैंने डायरेक्शन किया और वो जो जिसने वो गाना बनाया उसकी थीम क्या थी वो थीम मैं तो नाना मुझे बहुत तंग करता है नहीं नहीं उन्होंने लिरिक्स लिखे गाना बनाया वीडियो में क्या आएगा वो तो मैंने थीम लिखी उसमें तूने कितने कलाकार तूने चार उनके क्या क्या रोल थे मैं सब सहेलियां थी उसमें से एक सहेली की शादी हो रखी है नहीं नहीं शादी है तो अकेली जाएगी है तेरे मत वहाँ पर कितने दिन रहेगी सात दिन जिनको सोना मांगना सब पैसे दे दो उसको सोना हाँ सोना सस्ता है उधर नाना जी पैसे दे देना आप मुझे जो सोने की बात कर रहे हैं उनके लालच में नहीं पड़ना साले आते समय पकड़े जाओगे सुन लिया लालच में नहीं पड़ना कि आते टाइम पकड़े जाओगे तो परिश्रम करती है हमें बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि तू इतना परिश्रम कर सकते है जिंदगी में आई एम वेरी हैप्पी टू यू जनना पड़ेगा तड़े क्या शुद्ध खाना जगह बाहर शुद्ध ये देख अरब तू कमरे पे रहते है अकेला खाना बनाती है खाना नहीं खा सकती खाना नहीं आता नाना जी बनाना
ये बेटा अब चल मैं वहाँ भी आता हूँ, जब तेरी मैरिज हो जाएगी, घर परिवार अच्छा है, तेरा ससुर भी लाटा है, तेरी सास भी लाटी है, अरे इसका नाम क्या है अंकित, वो भी लाटा है, वो तो तेरा कहना मान जाता है। अब ये सारे लाटे इकट्ठे हो गए तो हमारी एक चतुर बच्ची को खाना बनाने में दिक्कत है। और मुझे बहुत बड़ी चीज की अभी तक जो सुनने में ये खुशी होती है कि मेरी नातिनी ने कहा कि शादी तो मैंने इस घर में ही करने, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं अपने लिए घर बना दूंगा। गुड, आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू। अब नाना जी 50 लाख रुपए दे दो, फ्लैट मिल रहा मस्त। दुबई? दुबई में नहीं, यही रायपुर में। 50 लाख में? हाँ, आपके नाम पे रजिस्ट्री कर लूँ? अब ये कर दे मेरे। आपने टिया को फोन दिया, मुझे घर नहीं दे सकते आप? नहीं, अगर मैंने टिया को फोन दिया और तेरे को घर दे सकता हूँ तो टिया छोटी है, उसको फोन में टरका दिया, मैं तो बड़ी हूँ ना। आज तो फंस गया ना। जितो फोन चाहिए बोला। मुझे तो ये उम्मीद है कि मेरी नानी टिया से, मेरी बच्ची टिया से ज्यादा गुणवान है, संगीतकार है, तभी तो मैंने तेरे से फोन किया। ऐसा थोड़ी है, बैंकर मुझे भी आता है। क्या फ्लैट डन हो गया? क्या बोल? फ्लैट डन हो गया। भले कागजात कोई बात नहीं, तुम कहाँ बन जाओ, फ्लैट भी दे दूंगा। अरे खरीदोगे तुम, नाम अपना दिखवा दूंगा। कैश दे रहा हूँ, तुम शादी में मैंने अपने लिए सब कुछ जोड़ दिया सामान, अब मुझे बस सीधा कैश देना बस शादी में। तुम शादी में क्या देंगे? एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अलमारी, गाड़ी, सब कुछ तो रख दे इसने। तभी तब क्या बोला, मैं सीधा पैसे दिया। अब आपने सिर्फ मुझे 5 लाख रुपए देने हैं मेरी शादी में, और कुछ नहीं करना। ऐसे ही नाना जी, जो कुछ मैं तो दूंगा, जो कुछ दूंगा। कंपनसेशन देना पड़ेगा, मैं जब पैदा हुई आपकी वाइफ खुश नहीं हुई थी उस टाइम पे। अब कंपनसेशन तो देना पड़ेगा नाना जी। देखो पिंकी के मामले में खुश हुई, वाह बहुत खुश हुई थी नानी, इसलिए आपको हर जाना तो भरना पड़ेगा। मैं क्यों भरूं, तेरी नानी भर ली। मैं तो किटी पार्टी में जाती है नानी, किटी पार्टी में जाती है खेतले नानी की फोटो, तेरी नानी जुआ खेलने जाती हर महीने। बस जैसे नाना जी 5 लाख जोड़ लें उसके बाद शादी डन। जैसे ही आप 5 लाख जोड़ लोगे मेरे लिए, फिर कर लूंगी मैं शादी। मैं तेरे तो थोड़ी तगड़ी बात कर लूं। करूंगा मैं उससे बात। ससुर थोड़ी मांग रहा 5 लाख, वो मांग रही है ना। अरे इसको तो मैं दे दूंगा ये थर्मस। वो 5 लाख रुपए आप लोगों का पीछा छोड़ने की फीस है। जब शादी करके मैं दूसरे घर चल जाऊंगी ना, तो वो आप लोगों को पीछा छोड़ने की फीस है, आपको देनी पड़ेगी 5 लाख। तू अपना मकान बना दे हाँ, और उनको जो है जगह पे पहुंचा दे, हम भी किसी से कम नहीं। दोगे आप 5 लाख रुपए? वीडियो आ गई है, अभी देने पड़ेंगे आपको। आपने 5 लाख रुपए का वादा करा है शादी में ना, और एक फौजी अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता नाना जी। अरे एक फौजी की मैडम, हाँ वो भी नहीं, तो नानी भी दे रही है मुझे बेटी मम्मी के दामाद।
नहीं नहीं इसमें सिर्फ सब सब की फोटो कुछ ना ही बात चल रही है सिर्फ सारे ही बात चल रही है कैमरा दीजिए आज इन बदल हम पर ये पावे बोलती बंद है कैमरा दीजिए तेरे पावे बोलती बंद क्यों होगी मेरे तरफ कैमरा ये तो 5 लाख बुलाने देंगे तो 10 लाख में खर्च करूंगे करूंगा हाँ बस मेरा सब आगे कर नाना 5 लाख तभी आई सरप्राइज मम्मी को भी दिखा रहे हैं ये देखो भाई इनकी मम्मी अरे मेरी फोन क्या हो गया आपको 5 लाख सुन के बटके बटके पांच लोग होते हैं पापा जी कह रहे कि 5 लाख तो कुछ भी नहीं है आपके लिए आपका 1 महीने का खर्चा है 5 लाख रुपए तेरे पापा को कैसे पता कि मेरा भयंकर खर्चा है ये तो पापा जानते होंगे वही पापा कैसे पता आपको बताओ अब 5 साल हो गए 5 लाख 1 महीने का मेरा खर्चा है तो मेरी पेंशन कितनी लाख है भाई ऐसी अच्छी बात है तो जो तूने कहा ना ये तेरा 100% जवाब करेक्ट अब इसी रिश्ते को डेवलपमेंट करना है दुनिया में दिखाना भी है बच्चा एक अहम वाली बात नहीं है लेकिन सहन करने वाली बात है निभाने वाली बात है कि हम भी किसी से कम नहीं दीदी को दे दीदी आप भी खाओगे दे दो दीदी इन सबकी आंखें काली काली क्यों लग रही है मुझे।